स्पेशलिस्ट। हम अपना हक मानते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मानते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मानते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। स्पेशलिस्ट 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 जस्टिस जस्टिस जस्टिस। झूठ गई बेइज्जती तो हुआ। मैं बारामला से हूँ और हम जितने भी यहाँ पे सारे एस्पिरेंट्स आए हैं, हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जेके एसएससी के द्वारा जो एडवर्टाइज मोस्ट नंबर 21 निकली थी, तो हमने जो है 70,000 के करीब कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट ली। स्पेशली उसमें 14,000 के करीब जो है हम सिलेक्ट मेरी लिस्ट में 1400 जो कैंडिडेट्स हैं हमने पार्टिसिपेशन जो है सिलेक्ट लिस्ट पाई है मेरी लिस्ट पाया। अब फाइनलिस्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा, तो इसमें जो है हम जेकेएसबी लीगल विंग गए, हमें पता चल रहा है इस पे जो है कॉन्ट्रैक्ट वालों ने सिटे लाया है। अब जो ये एकेडमिक वाले अरेंजमेंट कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने जो है खुद पार्टिसिपेट किया है, जिनके नाम पे पिटीशन फाइल हुई है, तारिक अजीमानी और ज्योति देवी के नाम पे ये पिटीशन फाइल हुए, वो खुद पार्टिसिपेट भी करते हैं और खुद इस पे जो है सिटे भी लाते हैं। इसका मतलब उनमें ऐसी एबिलिटी नहीं है, उनमें ये सलाहियत ही नहीं है कि कॉम्पीट एग्ज़ाम को कर पाए, सिर्फ जो है हमारे केस को अब होटल्स क्रिएट करते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, ये जो है खुद का काउंसिल बना सकते हैं, उनके पास अच्छी सैलरी है, ये बड़े से बड़े वकील को हायर कर सकते हैं। फंसे तो हम हैं ना, हम बीच में पिस रहे हैं, हम क्या करें, हम कहाँ जाएँ, हमें अब लीगल लड़ाई लड़नी है, हमें जो अपने नेशन को शुरू करने का मन नहीं है। हमने डिग्रियाँ डिप्लोमा इसी तो लिए हैं, हम नेशन को शुरू करें। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, वेल ट्रेनड हैं, हमने जो है ट्रेनिंग भी ली हुई होती है इसके लिए, तो वेल ट्रेनड है सभी कैंडिडेट्स हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हैं। तो अब हम ये चाहते हैं जेकेएसएसबी के द्वारा जो भी हमारी लीगल हर्डल्स हैं, मेडिकल हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट होगी, जितने भी हम हवा जोड़ के उनसे मिन्नतें करते हैं, जो भी इनमें लीगल हर्डल्स है उसको जल्द से जल्द आप एक ही हेयरिंग करें। इतने सारे केसेस हैं, हमें लीगल लड़ाई लड़नी है, 10 साल लगेंगे फिर इस केस को वैकेट होने। अगर कोई बंदा 30 साल का होगा फिर तो वो 40 साल का हो जाएगा 10 साल अगर ऐसे, फिर ये पोस्टेस विड्रा भी होते हैं आपके, तो फिर बच्चों का कौन सा इसमें ये दुश्वारी है, प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम फिर आती है ना, ये तो डिपार्टमेंट को देखना था, 10 साल हो जाएंगे इसमें फिर। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखें SSB से, JKSSB और हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, LG से भी यही चाहते हैं इस मैटर में आप इंटरवीन करें। हमने बहुत मेहनत की है इस एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करने में, और जितने भी इसमें लीगल हर्डल्स होना उसको जल्द से जल्द वैकेट करवाएं, और इसकी हियरिंग बहुत दूर है उसको नज़दीक लेके आ जाएँ, और इन केसेस को मर्ज किया जाए, केसेस को मर्ज करके एक ही हियरिंग में वैकेट किया जाए और हमारी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है उसे डिक्लेयर किया जाए। और LG से भी यही चाहते, LG सर से भी यही हमारी रिक्वेस्ट होगी इस मैटर में जो है आप इंटरवीन करें कि क्या मसला है, हमारी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट क्यों डिक्लेयर नहीं हो रही, क्यों डिपार्टमेंट डिले कर रहा है, क्या वजह है, क्या मसला है। तो हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत एनजाइटी, बहुत परेशानियाँ हैं हमें।